है। ये तो कह देती है कि मैं प्याज लहसुन नहीं ताती। अब प्याज लहसुन नहीं ताती तो आपके नहीं ताने थे पूरा देत नहीं ना फायदा है। आप तो कल कह देंगी कि हम तपला नहीं पहनेंगे, हम बच्चों को किताब कॉपी। अरे फिर वही बात, ये तो 10 रुपया देंगे अपने गली मोहल्ले के बच्चे को तो पुई 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 कर देगा। पुई पुई करना कोई कलाकारी है? रजत शर्मा आपकी अदालत में जब सवाल पूछते थे 400 रुपए के सिलेंडर पर, जब कन्हैया बाबा भी बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं, तो आज क्यों नहीं पूछते? मैं डॉक्टर था, इनके पापा भी यही कहते कि हम गुफा में थे, हम 40 साल भीख मांगे तो हम एनसीसी में थे, तो हम साइंटिस्ट भी थे, नाला से गैस बनाते थे। वही साइंटिस्ट के जमाने में गैस सिलेंडर का दाम 1,053 रुपये हो गया। इनके बाप दादाओं ने जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, जो तलवे चाटते थे, जो गोरे अंग्रेजों से मुखबरी का पैसा लेते थे, जो आजादी की लड़ाई में साथ देते थे, ये लोग 55 सालों तक झंडा नहीं फहराया, पैरों तले तिरंगे को कुचला था। लेकिन अब फहरा रहे ना, तो यही तो सद्बुद्धि है, सत्यमेव जयते। अरे सुन तो लो, सत्यमेव जयते, सत्य को नहीं जुटला सकते। ये आपके दो, आप जिसकी गुणगान कर रहे हैं, इन बेशर्मों से पूछिए कि 2022 से पहले किस चूल्हे में घुस गए थे आप? 5,400 से। अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो, कहाँ है ईडी? अडानी है, पहले सुनो, अडानी के घर का पता भूल गया क्या ईडी? रजत शर्मा का बस नहीं चलता, वर्ल्ड के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दें। रजत शर्मा, समझिए आप, रजत शर्मा वही हैं जिसको सरकार की भरपूर दलाली मिलती है। रजत शर्मा वही हैं जो नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाए जाते हैं। रजत शर्मा वही हैं जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाए जाते हैं। रजत शर्मा वही हैं जिसको मोदी सरकार वाई प्लस सुरक्षा देती है। तो निश्चित तौर पर रजत शर्मा आपकी अदालत में जब सवाल पूछते थे 400 रुपए के सिलेंडर पर, जब कन्हैया बाबा भी बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं, तो आज क्यों नहीं पूछते? आप बताओ, जिस महंगाई पर चर्चा लगातार रजत शर्मा जी अपने शो में आपकी अदालत में करते थे, तो उनकी अदालत कहाँ चली गई है? तो वित्त मंत्री ने कह दिया, भैया तो सुन, महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री कौन है? भगवान की बहन है, जो कह दी वही है वित्त मंत्री तो कह। अरे सुन तो भैया, महिला सीतारमन, सारी देश की महिलाओं के ऊपर आपने डाका डाल दिया। आप जाके घर घर पूछिए ना, एक ये लुटेरिन महिला है, ये भाजपा की लुटेरिन महिला है। ये तो कह देती है कि मैं प्याज लहसुन नहीं ताती। अब प्याज लहसुन नहीं ताती तो आपके नहीं ताने थे पूरा देत नहीं ना फायदा है। आप तो कल कह देंगी कि हम तपला नहीं पहनेंगे, हम बच्चों को किताब कॉपी। अरे फिर वही बात, निर्मला सीतारमन, आप समझिए, 6 साल की बच्ची को पेंसिल के लिए आप नहीं वीडियो देखे? नॉन ब्रांडेड लीजिए ना, केवल जीएसटी ब्रांडेड चीजों पर है, आप नॉन ब्रांडेड लीजिए। क्या खाते हो आप, रोटी खाते कि नहीं खाते? हाँ। आपको महंगाई नजर नहीं आ रही है? तो नॉन ब्रांडेड लीजिए ना, क्या महंगाई है तो। आप निश्चित तौर पर गोबर खाती होंगी, गोबर सस्ता है, गोबर आज भी दो, समझिए। नहीं नहीं नहीं, सवाल पूछते सुनिए, आटा पर, आटा का अभी रेट क्या चल रहा है? 2014 में क्या रेट था? गैस सिलेंडर के दाम कितने थे? आज गैस सिलेंडर के दाम कितने हैं? अब आपने एक इंटरव्यू नहीं देखा, संबित पात्रा खुद कहते हैं नॉन जीएसटी खरीदिए तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आप ब्रांडेड खरीदे। संबित पात्रा की तरह अगर हिंदुस्तान के सभी लोगों को आईटीडीसी का चेयरमैन बना दीजिएगा, ओएनजीसी के डायरेक्टर बना दीजिएगा, तो फिर महंगाई कहाँ रह जाएगी? काबिल है, उस लायक था तो बना दिए। ये तो 10 रुपया देंगे अपने गली मोहल्ले के बच्चे को तो पुई 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 कर देगा। पुई पुई करना कोई कलाकारी है? आप बताओ ना, तथ्य रखते हैं। फिर वही बात, तथ्य रखते हैं, तथ्य नहीं रखता, ये राष्ट्रीय जोकर है, ये भर दिन बैठकर राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या? राष्ट्रीय जोकर, सुनो, ये तो कह रहा मैं यूपीएस टॉपर रहा, मैं डॉक्टर था, इनके पापा भी यही कहते कि हम गुफा में थे, हम 40 साल भीख मांगे तो हम एनसीसी में थे, तो हम साइंटिस्ट भी थे, नाला से गैस बनाते थे। वही साइंटिस्ट के जमाने में गैस सिलेंडर का दाम 1,053 रुपये हो गया, जिसको सुनिए ना भाई, फिर ये में ना बनाते थे अपना ला से, तो ये गली गली घूम के ना आपको रिसर्च सेंटर खोल देना चाहिए। काला 1,053 में बेचवा रहे हैं, नाला में पाइप लगाते या चूल्हा में जोड़ देते, खाना बनता रहता, जैसे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचे वैसे लोग खाना बनाता। वाह, कमाल करते हैं आप लोग भी। प्रोफाइल में और व्हाट्सएप डीपी में आपने झंडा लगाया, प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहे हैं लगाइए।
देखिए ये सबसे पहले देश के महापुरुषों को और अपने बाप दादाओं को हम धन्यवाद देते हैं कि ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को 2022 में सद्बुद्धि आई है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। इनके बाप दादाओं ने जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, जो तलवे चाटते थे, जो गोरे अंग्रेजों से मुखबरी का पैसा लेते थे, जो आज़ादी की लड़ाई में साथ देते थे, ये लोग 55 सालों तक झंडा नहीं फहराया, पैरों तले तिरंगे को कुचला था। लेकिन अब फहरा रहे ना, तो यही तो सद्बुद्धि है। सत्यमेव जयते, अरे सुन तो लो, सत्यमेव जयते, सत्य को नहीं जुटला सकते। ये आपके दो, आप जिसकी गुणगान कर रहे हैं, इन बेशर्मों से पूछिए कि 2022 से पहले किस चूल्हे में घुस गए थे आप, क्यों नहीं तिरंगा का सम्मान कर रहे थे? ये तिरंगा कहाँ था जब आपने देश लूट ली, देश को बर्बाद कर दिया? तो आप तिरंगे का लेकर, आर लेकर आप अपनी देशद्रोही को देशभक्ति में तब्दील करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद बना रहे हैं। अडानी को पैसा दे देना राष्ट्रवाद है? बताओ, गुजरात में जहरीली शराब बेचवाना राष्ट्रवाद है? जाली नोट गुजरात में जो मशीन पकड़े गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना राष्ट्रवाद है? मेघालय में भाजपा नेता द्वारा चकला घर चलाना राष्ट्रवाद है? श्रीनगर में तारिक जो भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो हथियारों का सप्लायर था, क्या वो राष्ट्रवाद है? आप बताओ, पश्चिम बंगाल में जो प्रमिला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई, क्या ये राष्ट्रवाद है? भाजपा का है, लवराई मत करो, सुनो पहले। कैलाश विजय वर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, क्या ये भाजपा का राष्ट्रवाद है? तो आप राष्ट्रवाद की आर में आज नाथूराम गोडसे के लोगों को सावर करके लोगों को 2022 में अकल आई। धन्यवाद, शुक्रिया। इसलिए कि कम सत्यमेव जयते की बात हुई, आज तिरंगा का सम्मान भाजपाई आरएसएस के गुंडों को भी मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया वो तिरंगा। और उसी तिरंगे की हकीकत ने आज 2022 में भाजपाइयों को डीपी लगाने को भी मजबूर कर दिया, घरों पर फहराने को भी मजबूर कर दिया। देश से माफी मांगनी चाहिए भाजपा आरएसएस के लोगों से, जो अब तक तिरंगे का अपमान करता रहा है, जो अब तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। ये देशद्रोहियों को माफी मांगनी चाहिए वतन से। लेकिन आप देखो ना, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे, संजय राउत को भी अरेस्ट कर लिया, हो गया। कुछ बोलोगे? ईडी का छापा राष्ट्रवाद है ना? अच्छा, झारखंड में कांग्रेस ही है। अरे सुन लो, हाँ। नारायण राणे के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा, ये कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो रहा भैया? एकनाथ शिंदे, भावना गबली पर अब नहीं ईडी की छापा पड़ रहा, ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया? आसाम के मुख्यमंत्री और बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता के यहाँ अब ईडी नहीं जा रही है, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है, बताओ ना आप हमको। 5400 से, अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो, जो मिश्रा की अवधि ईडी का डायरेक्टर का कार्यकाल 2021 में समाप्त हो रहा था, जो 2 साल का कार्यकाल था उसको 5 साल का क्यों किया गया, ये तो बता दो, बता दो। तो जितने आप बताओ ना कि येदुरप्पा पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और दामाद पर नहीं होती, आप नहीं बात करोगे। आप डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई की बात नहीं होती, आप बात नहीं करोगे। कहाँ है ईडी? अडानी है? पहले सुनो, अडानी के घर का पता भूल गया क्या? ईडी नहीं है पता? अडानी के ठिकानों का पता नहीं है? अडानी, अडानी, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कर्ज बैंक में पड़े हैं। कौन कर्ज में डूबा है? वर्ल्ड का चौथा आदमी बन गया, पूरे देश को कंगाल बना दिया मोदी जी ने, और इनका जो यार है लंगोटिया यार, व्यापारिक मित्र माला माल हो गया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर बना के बेचा था पूरे वर्ल्ड में, मतलब माला माल था। ये कौन सा बेचा? ये मोदी जी का जमीन बेच के बन गया। आप उस पर दो पार्टियां काम कर रही है, एक ईडी और एक भाजपा। गंगाधर ही शक्तिमान है, अशक्तिमान ही गंगाधर है, भाजपा ही ईडी है, ईडी ही भाजपा है। अच्छा। ये तो तय हो गया, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हैं? करप्शन करोगे तो जेल तो जाओगे ही। अच्छा, क्या खाते हो? रोटी खाते नहीं खाते हो, गोबर खाते हो? उसी नारायण राणे के यहाँ जब छापा पड़ रहा, फिर वही बात, नारायण राणे के यहाँ अब मंत्री है भाजपा में, तो क्यों नहीं छापा पड़ रहा? आप बताओ, जो शुभेंदु अधिकारी 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया गरीब आदमी जमा किया था शारदा चिट फंड में, तो प्रधानमंत्री जी और ईडी, सीबीआई, आईटी, गृह मंत्री सब डेली पैसेंजरी करते थे बंगाल तक। अब उनका डेली पैसेंजरी छूट गया। तो आप चाहते बीजेपी नेताओं पे भी ईडी कार्रवाई हो? दोषी कोई भी हो, सजा हो,
किन कारणों से बैंक डूबा, सब पर कार्रवाई हो। पहले सुनो, पकड़ लेना बड़ा बड़ा माल पकड़ लेना। अच्छा, अडानी से बड़ा मुर्गा है कोई? विजय माल्या से बड़ा मुर्गा है कोई? नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से बड़ा मुर्गा है कोई? अरे भैया सुन तो लो, ये आप लोगों के दिमाग में आप लोगों को एजेंडा दिया गया है माइंड कन्वर्ट करने का। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने एक भी डिबेट चलाया क्या जहरीली शराब पर किसी चैनल पर? आप बता दो, उस पर कोई डिबेट हुई?